નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હેતલ ભગત. વર્તમાન સમયમાં યુવાધન વેસ્ટર્ન કલ્ચરના રંગે રંગાયો છે, ત્યારે ભારતીય સંસ્કૃતિને વર્તમાન પેઢી જાણી શકે, સમજી શકે તેના હેતુસર છેલ્લા 42 વર્ષથી વડોદરાના પોલો ગ્રાઉન્ડ ઉપર દશેરાના દિવસે ઉત્તર ભારત સાંસ્કૃતિક સંઘ દ્વારા રામલીલા અને રાવણ દહનનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. વડોદરા કલાનગરી તેમજ સંસ્કારી નગરી છે. સંસ્કારી નગરીના યુવાનોમાં સંસ્કારોનું સિંચન થાય અને ભારતીય સંસ્કૃતિને યુવાધન સમજી શકે, જાણી શકે તેના હેતુસર 42 વર્ષથી ઉત્તર ભારત સાંસ્કૃતિક સંઘ દ્વારા રાવણ દહન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં સર્વપ્રથમ રામલીલાનો કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવે છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં નગરજનો શ્રદ્ધાભેર જોડાતા હોય છે. રામાયણ સાર સાથે લોકોને સંબોધિત કરી રામાયણના બોધ સાથે માહિતી પૂરી પાડે છે. વર્તમાન પેઢીને રામાયણ થકી એક પુત્રનો પિતા અને માતા પ્રત્યે એક પતિનો, પત્ની પ્રત્યે એક ભાઈનો, ભાઈ પ્રત્યેની ફરજ સમજી શકે અને તેને જાણી શકે તેના હેતુસર રામલીલાનું આયોજન થતું આવ્યું છે. તેમજ હંમેશા અસત્ય પર સત્યનો વિજય થાય છે તે સમજાવવા માટે રાવણ, મેઘનાથ અને કુંભકર્ણના મહાકાય પુતળાનું દહન કરવામાં આવે છે. દેખીએ, ઉત્તર ભારત સાંસ્કૃતિક સંઘ पिछले 42 वर्ष की, जैसा कि हमारे अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी ने बताया, रामलीला रावण दहन का मंचन करता आ रहा है. हमारा जो रामलीला है 2.5 से 3 घंटे में पूरा किया जाता है. इसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि जो रामचरितमानस का जो उद्देश्य है या जो राम ने कहा है वो हम जन जन तक कैसे पहुँचाएँ. हमारी ये रामलीला का थीम होता है कि 3 घंटा में जो एक श्लोक में पूरा रामचरित मानस है, आदो राम तपो बना दिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदे ही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र शरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्धि रामायणम. ये एक श्लोक में जो रामायण है इसमें पूरा रामचरित मानस जो है यहाँ पर मंचन होता है. आज के परिवेश में जैसे देखा जाए, जैसे कलयुग अब समझिए कि पूरे चरम सीमा पर चल रही हो, आज माता पिता के प्रति जो है लोगों में जो प्रेम नहीं रहा, जो राम अपने पिता के लिए क्या किए थे, अपने माता के लिए क्या किए थे, राम ने माता का वचन पालन करने के लिए, पिता का वचन पालन करने के लिए कितना बड़ा त्याग दिया था. और त्यागी ही हमेशा पूजा जाता है, जो त्याग करने वाला होता है वो पूजा जाता है. ये उपदेश हमारे रामचरितमानस या रामलीला के मंचन के द्वारा हम लोग देते हैं. माता पिता का संबंध कैसा होना चाहिए, गुरु का संबंध कैसा होना चाहिए, समाज में भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, भाई बहनों का संबंध कैसा होना चाहिए, ये सब चीज हमारे इस रामलीला के मंचन के द्वारा हम देते हैं. और हम सभी नगर वासियों को वडोदरा के यही हम आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और आज की पीढ़ी को यह सब चीज बताएं, क्योंकि आज जरूरी है. जिस हिसाब से वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहा है, जिस हिसाब से माता पिता से बच्चों में संवाद की कमी होती जा रही है, जो हमारी ये मोबाइल जो है हमारी जो बचपन छीन रही है, जवानी छीन रही है, वृद्धा बुढ़ापा छीन रही है, इससे हम कैसे बचें, इसके बारे में भी हमारा रामलीला बताता है. रामलीलामां 120 जेटला कलाकारो भाग भजवता होय छे, તેમજ રાવણ, મેઘનાથ તેમજ કુંભકર્ણના વિશાળ વાંસના બાંબુથી બનાવેલ પ્રતિમાઓ ઊભી કરવામાં આવે છે, જેમાં કાગળ, કપાસ, માંસની રાખવી હોય તેમજ દારૂખાનું મૂકવાનું આવે છે અને રામલીલા બાદ રાવણ દહન થતું હોય છે. જય શ્રી રામ. નવરાત્રિ કે પશ્ચાત માં કી આરાધના કે પશ્ચાત શ્રી રામજી કા આગમન જબ હોતા હૈ, શ્રી રામજી કે આગમન કે સાથ સાથ મેં હમ રામલીલા કા મંચન યહાં કરતે હૈ 42 વર્ષો સે. और एक परंपरा रही है, उस परंपरा को हम निभाते आ रहे हैं. जब रामलीला संपन्न हो जाती है उसके पश्चात 3 पुतले रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के बनाए जाते हैं. उन 3 पुतलों का दहन होता है और भव्य आतिशबाजी की जाती है. इस साल किस तरह का? पिछले 1 महीने से हमारे रामलीला के कलाकार प्रैक्टिस कर रहे हैं. 1 महीने पहले जो है ग्राउंड, ये जो पुतले हैं बन के तैयार हो गए हैं. 1 दिन पहले उन पुतलों को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, असेंबल उनको स्पेशल जो उसके काले कलाकार हैं वो लोग उसे असेंबल करेंगे और वहीं पे ऑन द स्पॉट खड़ा किया करने के पश्चात 24 अक्टूबर को जो है कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा. रामलीला का आयोजन होता है, इसमें कितने कलाकार?
करीब 120 कलाकार जो हैं, जो हमारे समाज के ही, हमारे परिवार के ही, हमारे मेंबर्स के ही बच्चे रहते हैं, बरसों से कई उसमें से कई लोग अलग अलग रोल निभाते हैं और उनकी प्रतिभा निखरती है उसमें से। उसमें से कई ऐसे कलाकार हैं जो गुजराती लेवल के, गुजरात फिल्म के, उसमें भी उनको मौका मिलता है। और उद्देश्य यही रहा है कि लोकल जो हमारे यहाँ के कलाकार हैं उन्हें हम प्रोत्साहित करें और उसके माध्यम से उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी कला का वहाँ प्रदर्शन करने के लिए, और लाइव रामलीला की जाती है यहाँ पे। बिल्कुल, समाज में जिस तरह से हम जो विमुख होते जा रहे हैं संस्कृति से, तो प्रयास यही रहा है कि जो अपनी परंपरा रही है उस परंपरा को शहर की जनता को भी उसका जानकारी मिले, बच्चों को भी जानकारी मिले, उसके लिए हम लोग 42 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। और संस्कारी नगरी जनता स्वयं दशहरा के दिन आके इसका दर्शन करे और लाभ लें। वर्तमान समय में वेस्टर्न कल्चर में रंगायला युवा धन भारतीय संस्कृति विषय अजाण छे, त्यारे लोको भारतीय संस्कृति समझी शके तेना हेतुसर उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ द्वारा दशहरा एक पोलो ग्राउंड पर रामलीला अने रावण दहन नो कार्यक्रम योजवामां आवे छे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन प्रेस न्यूज, वडोदरा। समाचारों सतत अपडेट मेळवा माटे अमारी नेशन प्लस न्यूज ने यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबावो और फॉलो करो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर।